तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है इब्राहिम। जद्दा के लिए अभी टाइम हो रहा है 2:50, अभी निकल रहा हूँ मैं इधर से, तो जद्दा पहुँचते लगभग वही 6 बज जाएंगे। तो निकलते हैं, अभी कितना टाइम लगता है देखते हैं। जद्दा में भी जाम लग रहा हूँ। निकल चुके हैं खाली करने के लिए गाड़ी। आज कोई उधर से लोड करके नहीं लाना, सिर्फ खाली करके आनी है गाड़ी। उसके बाद में शायद मेरे ख्याल में शाम को पोर्ट से लोड होगा और यहाँ लोकल का लोड होगा मेरे ख्याल में जद्दा में। देखते हैं अभी कहाँ का लोड होता है, पहले इसे खाली करके आते हैं। अभी कोई लोड नहीं बताया मैनेजर ने। कंटेनर हो गया भाई ऑफलोड जद्दा में, पीछे ऑफलोड हुआ है। ये एलसेफ की गाड़ी है, एलसेफ कंपनी की। चलते हैं गाइस फिर कंपनी में, अब और कुछ काम नहीं है। अभी तो और कोई लोड दिया नहीं है उसने। देखते हैं अगर शाम में होगा तो शाम में होगा, नहीं तो नहीं होगा, हो सकता है आज। चलते हैं तब तक कंपनी पे। तो भाई पोर्ट में से लोड मिला है, पोर्ट में से लोड करना है जद्दा पोर्ट से। उसके बाद में इधर से लेकर जाना है राबिक, खाली करना है। अस्त्रा एक कंपनी का नाम है, अस्त्रा पॉलीमर, वहाँ पर खाली होगी। तो निकल चुके हैं हम यहाँ से, जद्दा में इस्लामिक पोर्ट है, जद्दा इस्लामिक पोर्ट, वहाँ से लोड करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से लोड करेंगे और फिर रात को वहाँ के लिए निकलेंगे राबिक के लिए। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है लोड करने में। लोड करने के लिए अंदर पोर्ट के अंदर जाने वाले हैं, 9 नंबर गेट से अंदर जाएंगे। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो इस वजह से अंदर वीडियो नहीं बनाएंगे, और बाहर से दिखा देता हूँ मैं आपको। भाई ये यहाँ से लेके पूरा आगे तक, इधर पीछे तक पोर्ट है। ये 9 नंबर गेट है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। इससे इधर को अगर जाएंगे, इधर 8 नंबर गेट है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, 3, 2, 1, ऐसे उल्टे करके उधर लास्ट में 1 नंबर गेट है।
भाई जहाँ से कंटेनर लोड करना है वहाँ से लोकेशन मिल गई है। तो गाइज लोड कर लिया है पोर्ट में से, लेकिन बहुत टाइम लग गया पोर्ट से लोड करने में। आज अभी बज रहे हैं 6:26, 4:30 के करीब में गया था मैं अंदर। तो भाई डलवा लिया डीजल भी, अभी चल रहे हैं, कुछ खाते हैं खाना वाना, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। भाई इंतजार कर रहे हैं अभी खाने का। तो भाई सामान भी ले लिया इधर से और साथ ही साथ खाना भी खा लिया है। तो अब निकलते हैं इधर से। रूम पे चल रहे हैं, अब आराम करेंगे।